Uh, जो हमें फॉलो करते रहे हैं हमारे जो uh, uh, दोस्त हैं जो हमारे शोज़ रेगुलरली देखते रहे हैं एटलीस्ट मेरी और रिहान की तो जब से हमने स्टार्ट की है जब से हमें देख रहे हैं उन्हें इस बात का आइडिया कि फ़ुटबॉल इज़ वेरी वेरी क्लोज़ टू तो आर हार्ट्स और जब फुटबॉल की बात होती है तो हमारी लोकल फुटबॉल पर नॉलेज ज़्यादा ना हो बट आर पैशन एंड आर एस्परेशंस फ़ॉर द गेम आर देयर एज़ वेल और हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो कि हमारे जो पाकिस्तानी फुटबॉलर्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलें कि वे गे दे गेट टू शो का शो केस देयर स्किल्स एट द हाइस्ट लेवल लेकिन हम सबको पता है कि पी एफ एफ के हालात पिछले काफ़ी अर्से से बहुत अजीब किस्म की सूरत हाल में है और हमें बहुत दफ़ा लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप पी एफ एफ पे बात करें पी एफ एफ पे बात करें लेकिन हमने पिछले एक शो में मैंने पहले भी कहा था कि मैं अब अवॉइड करता हूँ पी एफ पे बात करना ख़ास तौर पर तब से जब वो ऑडियो लीक्स सामने आई थी जिसके अंदर आ, ये वाली बात पता चली थी दैट आई वाज इन कंटेंशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन कमेटी और खैर वो जो लीक्स थी उसमें मेरे बारे में जब बात हुई तो रिहान और मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम पी के बारे में ज़्यादा कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई भी कॉमेंट दें इट कुड बी मिसकन्स्ट्रूड इन वन वे और अदर हमारा पिछला शो हुआ हमने ट्वीट्स किए कि आप हमें अपना प्लीज़ फीडबैक दें दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग तो हमारे साथ एक ट्वीट शेयर हुआ ये पहले भी आते हैं लेकिन इस ट्वीट की खास बात यह हम आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं इस ट्वीट की खास बात ही है, ही है ये है कि ये आसाम साहब ने किया कि आप पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में बात बात नहीं करेंगे एंड वुमेंस नेशनल टीम पार्टिसिपेटिंग इन सैफ चैम्पियनशिप मैं आगे पीछे तो इन चीज़ों को यूजली इग्नोर करता हूँ बट द रीज़न वाई दिस ट्वीट कॉट माई अटेंशन इज़ बिकॉज आसाम साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग है एट पी तो दे वाज एन ऑफिशियल हु एक्चुअली रेज दिस कंसर्न विद अस मैंने सोचा कि जी बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हम बात नहीं कर रहे इस वक्त इनकी तो हमें बात करनी चाहिए तो वी शुड टॉक अबाउट इट लेकिन अब उसके अंदर जब आप बात करते हैं ना पी एफ एफ की तो देर आर अदर थिंग्स दैट यू नीड टू टॉक अबाउट इज वेल सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि येस इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट कि आठ साल के बाद पाकिस्तान वुमेन टीम इंटरनेशनल फुटबॉल खेलेगी जब आठ साल पहले वो लास्ट टाइम खेले थे तो मैं और रिहान वहीं पर थे वी वर डूइंग कॉमंट्री एंड इट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ माय करियर जब लास्ट टाइम मैंस टीम खेली थी तो आई वाज देयर डूइंग कॉमंट्री देन एज वेल एंड पाकिस्तान फुटबॉल इज रियली क्लोज टू माई हार्ट लेकिन जब आप इस टाइप की बात करेंगे एंड यूल ओपन द डोर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन तो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन द कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट पाकिस्तान पी एफ एफ इज स्टिल इन अ मेस पाकिस्तान ने भी वेमेंस टीम के साथ जो हेड कोच अपॉइंट किए हैं अदीर रिस्की साहब वो एक ऐसे साहब हैं जो यूएफ़ बी लाइसेंस होल्डर तो ज़रूर हैं लेकिन उनकी उन्होंने कभी हाई लेवल पे कोचिंग नहीं की उन्होंने कभी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी कोचिंग नहीं की उन्होंने कभी वेमेंस टीम की भी कोचिंग नहीं की किसी क्लब लेवल पर तो क्या क्राइक्टीरिया हुआ जिस पर उन्होंने सेलेक्ट किया वी डोंट नो अगर बात करनी है तो वील ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट कि आपने बहुत ज्यादा लड़कियों को टर्न अवे कर दिया फ्रॉम द कैंप विदाउट गिविंग दैम एनी सॉलिड रीजन अगर आपने बात करनी है तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर द प्लेयर्स देवर प्लेयर्स जो आठ साल पहले टीम के लिए खेली थी हाजरा होगी मापारा होगी गई मलका नूर होगी सारा जमान होगी आठ साल बाद अगर अब वो खेल रही हैं तो ये उनके लिए क्या मानी रखता है दिस वॉज अ स्टोरी विच पी एफ एफ कूड है ट्रेड एंड मार्केटेड उन्होंने इसके बदले में क्या किया प्लेयर्स पर गैग लगा दिया गैग ऑर्डर लगा दिया कि आप किसी मीडिया को कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते देयर इज कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग योर कैप्टनसी अपॉइंटमेंट इज वेल नो डाउट बहुत बड़ी बात है कि आपने मारिया को नादिया को टीम के अंदर लाए हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन समन हैज़ नॉट रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट ऑल और आप उसे कैप्टनसी दे देते हैं ओवर समवन हैज़ बीन हु वॉज इवन देयर एट ईयर्स अगो It will raise eyebrows. There are a lot of other things as well. You social media experts in your team and you can access players. You access the normalization committee. So, I mean, when you want us to talk about PFF, then all of these things need to be discussed as well. I will stop my rant over here. I will not talk about how the normalization committee is working, I will not talk about how PFF is running but we will back these girls. we were there eight years ago. we're here now as well. Or pakistan versus india, match hoga. to we will to a detailed analysis, no thanks to pff. we'll try to do this on our own. anything you want to add? yes, um, i just want to say that to all the uh, you know women's team right now, huge congratulations to them. and. मेरा मेरी सबसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ सपोर्ट दैम आई नो पी एफ एफ की uh, हैदर ने बहुत डिटेल में बात की अगर पी एफ एफ का कोई ऑफिशियल चाहता है कि वो हमारे फॉरम पर आके हमसे बात करें या इस शो पर आना चाहते हैं दे आर मोर देन वेलकम बिकॉज आई ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन और जब जब, जब लोग बात करते हैं कि जी फुटबॉल की पाकिस्तान फुटबॉल की आपने इतनी चीज़ डिस्कस नहीं की फॉर द फर्स्ट फाइव सिक्स ईयर्स ऑफ माई करियर दैट इज़ दी ओनली थिंग आई डिड आई वेंट टू हैसर्स एंड टॉक आई एम नॉट सेंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू से मैंने बहुत कुछ किया था प्रॉब्लम इज के आपको रियलाइज होता है हाउ मच रेड टेप देर इज अराउंड पी एफ एफ होप फुल थिंग्स विल इम्प्रूव होप फुल्स विल गेट बेटर देर इज दैट होप जहां तक आपने बात की कि यू नो विल डू डिटेल्ड शोज ऑन दिस आई थिंक वी शुड भी इन्वाइटिंग पीपल लाइक शाहरुख और फुटबॉल पाकिस्तान से yeah. जो लोग हैं जिनको हमसे एंड लेट्स भी ऑनिस्ट हमें हर चीज़ का नहीं पता जिनको हमसे ज्यादा इन चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन है ऑन वेयर द टीम इज हेडेड राइट नाउ बट

पब्लिक फोरम पे नहीं कर सकते लेकिन बिकॉज थैंक यू बाय द वे फॉर ओपनिंग द डोर फॉर दिस कॉन्वर्सेशन जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे पी एफ एफ ट्विटर हैंडल फॉलो कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें एक तो मैं पह पहले बता दूं हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम जर्नलिस्ट हैं हमने कभी क्लेम नहीं किया हमें बल्कि हम काफी ज्यादा रिलाई करते हैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों पर कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें लेकिन प्रेस रिलीजेज ओवर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया इज नॉट इनफ यू हैड अ स्टोरी टू टेल दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इन बच्चों की स्टोरी शेयर करें मारिया खान की स्टोरी बड़ी मजेदार है यू में गोल कीपर थी मिडफील्डर थी यू में केम एंड इज़ नाउ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इट इज़ गोइंग टू कैप मतलब आई नो मैंने अभी कॉन्ट्रोवर्सी कैप्टनशिप पे की है बट शील बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान दैट्स अ स्टोरी टू टेल महापारा की स्टोरी इज़ अ स्टोरी टू टेल सारा जमान मलका नूर इनकी स्टोरी आर टू टेल सो पी एफ एफ नीड्स टू एक्चुअली थोड़ा <laughs> सा अपने बियॉन्ड सोचें और अगर आपने कहा कि ट्विटर हैंडल फॉलो करें मैं उस ट्विटर हैंडल पे गया हमने पिछले दिनों पीएसबी के ट्विटर हैंडल की बात की थी आपका ट्विटर हैंडल वाज आल्सो जस्ट फुल ऑफ रीट्वीट्स ऑफ द हेड ऑफ द रेवेशन कमेटी दिस इज समिंगे प्लीज फॉर एवरी एवरी स्पोर्टिंग बोर्ड देयर इज आउट देर इन पाकिस्तान एंड फेडरेशन आप प्लीज़ जब आप अपने प्लेयर्स को स्टार्स बनाएंगे जब उनको एक्सेस देंगे जब उनको मीडिया के आगे करेंगे और उनको स्टार्स बनाएंगे तो आपकी भी तारीफ होगी आपके बोर्ड के पैसे भी आएंगे बिकॉज दे स्पॉन्सर विल इन्वेस्ट इन देम नॉट यू इट इज़ as सिंपल एज that.